प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से सिंगल यूज पॉलीथीन पर रोक लगाने की अपील की है। वैसे यूपी में सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है। लखनऊ के तकरोही सब्जी मंडी का हाल दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन होना चाहिए। हालांकि यूपी सरकार ने भी 31 अगस्त तक पॉलीथीन को बैन करने की डेडलाइन दी गई है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार पॉलीथीन का विकल्प क्या होगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी तमाम जो सब्जी विक्रेता हैं वो पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं सब्जी देने के लिए। हम उनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि पॉलीथीन बैन होना चाहिए, 31 अगस्त तक के लिए भी डेडलाइन यूपी सरकार ने दी है, आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं? पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, सब घर चला जाएगा, हमारी सब्जी सड़ जाएगी, तो क्या किया जाएगा? क्या दिक्कत आएगी अगर पॉलीथीन बैन होती है तो? पांच भी मिर्चा रहेगा तो कहा लेगा, चला जाता है, उसके बाद में मिर्चा नहीं लेता, चला जाता काकी। अच्छा, एक पॉलीथीन जो है आपको कितने की पड़ती है और झोला कितने का पड़ेगा? झोला 5 बैग पड़ेगा, पॉलीथीन 1 पैसे पड़ेगी, तो नुकसान होगा। हाँ, तो अभी आप लोग पूरी मार्केट जो है वो पॉलीथीन प्रयोग करती है? पूरी का जहाँ मिलता है वो जब लेके आते तो ले लेते हैं, नहीं लेके आते तो कहाँ ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ये लोग पॉलीथीन प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो ये झोला अगर प्रयोग करेंगे तो इनको महंगाई के दौर में जो है बहुत महंगा पड़ेगा, और ये जो इनका तर्क है ये शायद इसके लिए फिलहाल अभी कह सकते हैं कि कोई एक समाधान नहीं मिला है, और यही वजह है कि भले ही प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया हो लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरामैन जयप्रकाश, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।